This is gonna be an emotional video for me because I have seen a lot in my life and अब मैं जा पे हो तो मैं कभी ये सब चीजें भूलती नहीं हूँ. टीवी देखते रहते थे, मम्मी प्याज काटती थी, टीवी में कुछ भी चल रहा है, हम लोग रोते रहते थे. This is the bedroom which changed everything because of this bedroom. ये हमारा पहला स्टूडियो है. Because of this bedroom, I am who I am right now. तो ये गेट ने हमें बहुत ज्यादा जख्म दिया. क्यों किया था? टाइगर है ना, टाइगर से पहला मैं लिटरली बिल्डिंग में ऑलमोस्ट 17 बिल्ली पालता था. यहाँ पे मैंने अपना टर्टल भी दफनाया था पिछले वाला, और सखड़े रह के प्रेयर की थी उसके लिए. सो दिस इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एनिमल्स. Hey guys, what is up? Welcome back to my YouTube channel and today's video is very 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 special to me. आप लोगों ने मेरा अभी लेटेस्ट रूम टूर तो देख लिया होगा. एंड बिफोर शोइंग यू माई न्यू हाउस, आई वॉन्टेड टू शो यू वेयर इट एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम. मतलब मैंने कहाँ से जर्नी अपनी शुरू की थी. आई एम सो सॉरी, मैं खा रही हूँ इसलिए मेरी आवाज़ ऐसे आ रही है. तो अभी हम जाने वाले हैं मेरे पुराने घर. सो ये जो मेरा घर है, यहाँ पे आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप. यहीं पर मैंने अपनी स्कूलिंग की है, कॉलेज गई हूँ, जॉब पे गई हूँ. सो बेसिकली जब मैं म्यूजिकली भी बनाती थी, दैट वॉज दिस हाउस. इसके आगे के रीजन्स बताती हूँ कि हम यहाँ से क्यों शिफ्ट हुए, क्या रीजन्स था, वो आपको मैं आगे चल के बताती हूँ. सो लेट्स गो. सो गाइज, हम लोग अभी पहुँच चुके हैं हमारे एरिया में. आई एम गोना गेट डाउन एंड आई लव माई एरिया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. ऑब्वियसली किसको नहीं पसंद, मैं यहाँ पर पैदा हुई थी एंड यहीं पर बड़ी हुई हूँ. एंड मैंने अभी जितने भी घर चेंज किए अब तक, जिसका मैं आपको पूरा हिसाब बताऊंगी कि मैंने कहाँ से कहाँ क्यों शिफ्ट किया, जहाँ पर भी शिफ्ट किया मैं इसी के आसपास ही शिफ्ट हुई हूँ. आई कैन नेवर सेटल डाउन इन सम अदर एरिया, एटलीस्ट अभी नहीं. अनलेस अनटिल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए या मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन होगा इस एरिया के बाहर जाना. जब भी मैं नया घर, जो भी मेरा नया घर भी शिफ्ट हुआ है वो भी यहाँ से. हाँ क्या हो गया, 4 बज गए बोल रही है. सो जो नया घर लिया है वो भी यहाँ से थोड़े ही दूरी पर है. शुरू करने से पहले मैं बस बोलना चाहती हूँ कि दिस माइट नॉट बी द मोस्ट प्रिटीएस्ट हाउस और प्रिटीएस्ट बिल्डिंग, बिकॉज ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है मेरी. तो बट स्टिल दिस विल ऑलवेज बी द मोस्ट प्रेशियस हाउस आई हैव एवर बीन. क्या बोल रहा है? मेमोरेबल हाउस. मतलब यहाँ पे ही सारी मेमोरीज है, सारी मेमोरीज. तो घर जो बोलते हैं ना वो ये है एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल. छोटा है, इतना अच्छा नहीं है, बट मेरा घर है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, आई विल ऑलवेज बी. तो चलो चलते हैं अंदर. सो गाइस, वी गोना एंटर द हाउस. ये घर 2 साल से बंद था तो थोड़ा मैसी है, काम चालू है अभी. हम थोड़ा उसको रेनोवेट कर रहे हैं ताकि रेंट पर चढ़ाने से पहले थोड़ा बेटर हो जाए. सो वी गोना एंटर माय स्वीट क्यूट लिटिल हाउस. कम इनसाइड. सो वेलकम टू माय स्वीट लिटिल हाउस, माय मिडिल क्लास वाला प्यारा सा घर. ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस हॉल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम ना पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे एंड बिकॉज जॉइंट फैमिली में हमें ये घर छोटा पड़ता था तो हमने 1 बेडरूम हॉल किचन को कन्वर्ट करके 2 बेडरूम कर दिया बाय शिफ्टिंग द किचन इन द हॉल. एंड बिकॉज माय मॉम लव्स ह्यूज किचन, हमने बहुत बड़ा किचन टेबल बनाया था विच टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस इन द हाउस. ये बहुत गंदा है गाइस, अगेन मैं बता रही हूँ, 2 साल से बंद है, ऐसा गंदा नहीं होता है घर. तो यहाँ पे मम्मी ऐसा खाना वाना बनाती थी, सब करती थी. एंड ये हमारा हॉल एरिया था जहाँ पे हम लिविंग रूम. सो यू नो ये अमेरिका में तो अभी शुरू आया है स्टूडियो अपार्टमेंट. हम बहुत पहले से करते, 90s में हमने कर लिया था ये चीज. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट यूज टू नॉट लुक सो गुड बिकॉज हॉल में किचन होने से ना बहुत इश्यूज होता था. मम्मी अगर कुछ तीखा बनाती थी तो हाँ, मम्मी ऐसा कुछ अगर तीखा बनाती थी हम लोग को इधर से बैठे बैठे ठसका लग जाता था. बट क्या कर सके, फिर भी उसमें जो मजा था ना वो किसी में नहीं होता है मजा. क्या बोलते हैं, टीवी देखते रहते थे, मम्मी प्याज काटती थी, टीवी में कुछ भी चल रहा है हम लोग रोते रहते थे. अगर हैप्पी सीन भी चल रहा तो भी हम रोते थे, कुछ भी सीन चल रहा तो भी रोते थे. और बिकॉज दिस हाउस इज सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे जो बालकनी खिड़की है ना सबको अंदर का सब दिखता है.
बाहर से अंदर सब दिखता है, तो ट्यूबलाइट चालू रहती है ना इसके लिए, बाहर अंधेरा रहता है तो बाहर से अंदर देखो तो सब ऐसे क्या कर रहे हैं, फुल चिल कर रहे हैं, टीवी देख। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब म्यूजिकली बनाती थी तो ये घर से स्टार्ट किया था, तो मुझे थोड़े लोग जानने लग गए थे एंड ये खिड़की पे लोग नगमा नगमा चिल्ला के भागते थे, बेल बजा के भागते थे। दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड आई नीड टू चेंज माय हाउस, बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं सालों से यहाँ पे रहती हूँ, सबको मेरा घर पता है कि यहाँ पे रहती थी मैं, एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजन आई हैव वांटेड टू मूव आउट। सेकंड रीजन वाज ऑब्वियस दैट ये घर थोड़ा छोटा पड़ता था जब हम बड़े हो गए, पहले जब छोटी थी तो मुझे बहुत बड़ा लगता था इधर, बट अभी जब हम बड़े हो गए हैं तो ऐसा लगता है कि लगता था कि यहाँ से मूव आउट हो रहा है। तुम बाहर रहते हो, चीजें देखते, लाइफस्टाइल देखते, तो ऐसा मन करता है कि मम्मी डैडी को और सबको मतलब ऐसा। तो एक्चुअली मेन गोल तो मेरा यही था, अ बेटर हाउस। तो अगर पता है कैसा होता था, मैं दूसरों का घर देखती थी, फ्रेंड सर्कल में भी इसमें भी, तो उनके घर बहुत ऐसे बहुत अच्छे होते थे, तो मैं हमेशा से सोचती थी दैट इवन आई वांट अ ह्यूज हाउस। मूवीज में देखती थी, काफी सारे लोग हैं जो फॉर्चुनेट इनफ है जिनके पेरेंट्स और मतलब उनका घर बड़ा बड़ा है, जो लोग पहले से वैसे टाइप के घर में हुए हैं, क्या बड़े बॉर्न एंड वाटर। बट देन आई रियलाइज लेटर दैट जरूरी नहीं है घर बड़ा हो, घर जो छोटा हो तो भी आप लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर अपना खुद का घर जो बनाने का मजा है ना, ट्रस्ट में वैसा कोई मजा नहीं है। मतलब फ्रॉम गोइंग फ्रॉम दिस लेवल टू अनदर लेवल इज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। ये हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तब दो बेडरूम थे ना, तो एक में चाची एंड उनकी फैमिली रहती थी और एक में मम्मी और डैड और सब रहते थे, सब मतलब मोहम्मदली, और मैं और मेरी बहन और हम लोग सब यहाँ पे सोते थे नीचे। हम लोग थोड़ा कुछ डाल देते थे और हम नीचे सोते थे। मेरे दादा थे, ही यूज टू स्लीप ऑन द काउच, पहले दूसरा था, ये तो बाद में अभी बनाया, तो आई डोंट नो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट माय दादा आई गेट इमोशनल बिकॉज ही वाज वेरी क्लोज टू मी एंड आई विश वो आज होते तो वो देख के बहुत प्राउड होते हैं, बिकॉज ही वाज इन द फिल्म इंडस्ट्री, यूज टू वर्क विद महबूब खान बैक देन, एंड उनकी मैं फेवरेट थी, मतलब फेवरेट ये पता नहीं पागल है। मैं बहुत छोटा था, मतलब मैंने इतना देखा नहीं, बट ओके आई डोंट वांट टू क्राई, बट आई न्यू दैट दिस इज गोना बी एन इमोशनल वीडियो फॉर मी बिकॉज़ आई हैव सीन अ लॉट इन माय लाइफ एंड अब मैं जा पे हूं तो मैं कभी ये सब चीजें भूलती नहीं हूँ, मुझे बहुत पता है कि मैं क्या सीख के क्या कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड आप लोगों का प्यार की वजह से मैं जा पे हूं। Love you. तो without further this thing, let's see the rest of our house. तो पहले mom dad का room दिखाते हैं क्योंकि मेरे room में काम चल रहा है। चलो master bedroom. So this is my passage. Obviously this is the old fashioned bathroom, the old fashioned sink area. ये इतना छोटा sink है, मुझे अभी नहीं लगता है मैं यहाँ पे मुंह भी धो पाऊंगी। तो basically ये hand wash के लिए होता था। क्या चिपका है ना मेरा? This is jugaad number one and tell me you are an Indian without telling you that you are an Indian. अरे कहना क्या चाहते हो? क्या बोल रही, मैंने कुछ भी बोल दिया? समझ गया ना? Indian माला। This is the storage. First floor. First floor. Guys, मेरी मम्मी को स्टोरेज का इतना वो है ना, मेरी मम्मी सब कुछ जमा करती है। मम्मी कुछ भी आप गिफ्ट भी दोगे, मम्मी 20 साल तक रखेगी। कितने भी साल पुराना है, मतलब बर्तन रखे हुए 20-20 साल पुराने बर्तन, फ्रेश पैक्ड एकदम, बोलते तेरी शादी में यूज करेगी। सो दिस इज द वॉशरूम, मतलब यहाँ ज्यादा देखे क्या ही करोगे। यहाँ की एक स्पेशल मेमोरी है मेरी, बहुत ही स्पेशल मेमोरी है। यहाँ पे आप जो दो हुक्स देख रहे हो ना, आई डोंट नो आप देख सकते हो कि नहीं, इधर है ये हुक और यहाँ पे भी है ये हुक। सो यहाँ पे मेरे चाचू ने मुझे एक वुडन प्लैंक पे जो एक झूला बना के दिया था जिसपे चारों तरफ रस्सी लगाई थी। सो मैं स्कूल से आती थी ना, जब छोटी थी, प्री प्राइमरी की बात है शायद ये, जब किंडरगार्टन में थी तब मैं आती थी, मेरे दादा को बोलती थी यहाँ पे अटकाने। ऑब्वियसली मेरी हाइट नहीं जाती थी, मैं ऑलमोस्ट शायद इतनी छोटी रहूंगी वो टाइम पे। तो वो झूला था यहाँ पे, तभी ये माला ये सब नहीं था, तो झूले पे बैठती थी एंड पूरे पैसेज में खड़े रहती थी झूले पे ऐसे पकड़ के, और खतरनाक तरीके से झूला करती थी। अगर ओलंपिक्स में ऐसा झूले का कुछ कॉम्पिटिशन होता है ना वैसा काइंड ऑफ, अगर मैं उसको कंटिन्यू करती तो मैं शायद
जिमनास्टिक या कोई चीज में आगे बढ़ती है, बहुत खतरों की खिलाड़ी थी गाइस, मैं बहुत गिरती पड़ती थी, बहुत मस्ती करती थी मैं। एनीवे चलो अंदर आते हैं। सो ये है मेरे मॉम डैड का बेडरूम जो थोड़ा पिंकी है, ये सब कलर्स बहुत एंड में किया था, पहले ऑरेंज था, पिंक की, ये पता नहीं ये मिस्टेक था, एक ऐसा मिस्टेक है जो याद है, ये आर मिस्टेक नहीं है, मतलब ये कलर मिस्टेक है। तो थोड़ा जैसा वुडन है ना वैसे वाला ऑरेंज था, टैंक के कलर का ऑरेंज था वो, ये दो साल से बंद, ये पूरा दवाई खाना था यहाँ पे, मम्मी दवाई और सिलाई लाई, आई कैन स्टिल स्मेल दवाई। यहाँ पे शोकेस रखते थे, यहाँ पे बेड होता था मम्मी का, और यहाँ पे स्टोरेज हमने एक्स्ट्रा बनाया था क्योंकि घर थोड़ा छोटा था आगे, तो स्टोरेज की बहुत रिक्वायरमेंट होती थी। एंड वन थिंग विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे इतने सालों से थे ना, ये घर छोटा भी पड़ रहा था, एंड मैं मम्मी को बोल रही थी लेट्स मूव आउट, मम्मी वॉज नॉट रेडी टू मूव आउट, आई एम टॉकिंग अबाउट लेटर ऑन ना, जब हमें लगा कि अब तो बाहर जाने चाहिए, 2019 के थोड़ा पहले हमने बोला था कि मम्मी अभी जाना चाहिए अपने को क्योंकि बहुत छोटा पड़ रहा है घर अपने को, बट मॉम डैड को इतना ये एरिया पसंद है, बिल्डिंग पसंद है, बिल्डिंग में फ्रेंड्स है, बिल्डिंग में रिलेटिव्स भी रहते हैं हमारे, हाँ, तो उनको ये घर छोड़ना ही नहीं था, प्लस वी आर नॉट रियली यू नो डूइंग सम घर का काम बिकॉज ये बिल्डिंग 10 साल से मैं सुन रही हूँ कि रीडेवलपमेंट में जाने वाली है, तो इसीलिए हमने सोचा कि इंटीरियर्स पे हम लोग क्यों करें क्योंकि टूटने वाली है बिल्डिंग, ये हम लोग ऐसा हर साल सोचते रहे, अनफॉर्चुनेटली कभी बनी नहीं, घर बना ही नहीं कभी, और रीडेवलपमेंट में गया भी नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम लोग वेट करेंगे जब तक रीडेवलपमेंट में नहीं जाएगा, नहीं भी गया तो भी अभी हम इसको सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा अच्छा करके रेंट पर दे दें ताकि ये 2 साल से बंद है तो एटलीस्ट इसका कुछ तो यूज़ आए, कुछ हेल्प हो ना। आपको भी इस लड़ी घर में रहना है तो बताओ, मैं आपको रेंट पर दूंगी, कमेंट सेक्शन में बताओ, डिस्काउंट में दे दूंगी, बट ट्रस्ट मी दिस हाउस इज वेरी लकी फॉर मी, एटलीस्ट मेरा बेड ये बेड होगा, मॉम यूज्ड टू स्लीप हियर, मतलब मॉम डैड बेड पे सब सो रहे थे और मॉम ने नीचे चलता है या कुछ भी ऐसे ब्लैंकेट बिछा के, एंड दिस इज आवर फेमस बालकनी, ये बालकनी अभी यहाँ पे भी स्टोरेज हमने बना दिया, यहाँ पे स्टोरेज नहीं था, यहाँ पे ऊपर ये माला था, ऊपर भी स्टोरेज है, तो यहाँ से बहुत अच्छा लगता था, यहाँ से बाय द वे गोल्डन आवर भी आता है यहाँ से, और स्टॉप भी कर सकते थे यहाँ से, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यहाँ से अगर मैं डैडी कुछ भूल जाते थे ना तो मम्मी उनको यहीं से दे देती थी कि ये लो भूल गए आप ऑफिस की घड़ी वॉलेट मोबाइल, बट मैं यहाँ पे बैठ के मस्त था ना, रिक्शा से उतर देते पैसे नहीं रहते थे मम्मी पैसे, तो मम्मी यहाँ से दे देती थी, हाँ खिड़की में आके पैसे मांग लेते थे, कुछ चलना ही नहीं पड़ता था ज्यादा, और यहाँ पे नीचे बैठ के मैं स्टडी करती थी जब एग्जाम होता था, तो यहाँ पे एंड पैसेज जो मैंने आपको दिखाया ना, कम अगेन आई शो यू, यहाँ पे बैठ के मैं पढ़ाई करती थी, यहाँ पे मैं कुछ डाल लेती थी क्योंकि कोई भी रूम खाली नहीं होता था, सब सोते थे, एंड मेरी आदत है कि मुझे रात में पढ़ना पसंद है, और यहाँ पे भी मैं बाथरूम की लाइट चालू करके पढ़ती थी, आई नो ये बहुत ऐसा स्ट्रगल वाला साउंड कर रहा है बट ये सच है गाइस, आई कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द रियलिटी एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। तो चलते हैं मेरे बेडरूम की तरफ, तुम्हारा ये सॉरी तुम्हारी और तुम्हारी बहन दोनों का, सॉरी बहन का, मेरा भी था बट मुझे लोगों ने किक आउट कर दिया था, तो बैड, तो इतना छोटा है कहाँ सही पे सोया, तो पता नहीं, चाची के जाने के बाद फिर हमने मेरी बहन ने ये बेडरूम ले लिया था, दिस इज द बेडरूम विच चेंज्ड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ दिस बेडरूम, ये हमारा पहला स्टूडियो है, बिकॉज ऑफ दिस बेडरूम आई एम हु आई एम राइट नाउ, एंड मैं आपको बताती हूँ क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, लेट्स गो इनसाइड, चांचरान करला, सो वेलकम टू आवर क्यूट छोटू सा रूम, एंड ये रूम था जहाँ पे मैं वीडियोस बनाती थी बहुत सारे, पता नहीं मुझे ब्लू कलर इतना पसंद था, मैंने इसका ब्लू कलर कराया था रूम का, फिर मैंने बाद में बहुत लेट किया, जो मुझे म्यूजिकली डेज से फॉलो करते हैं दे नो दिस रूम वेरी वेल, पहले के टाइम पे वैनिटी ये सब का तो नहीं था कि अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी, सेकेंडली मुझे पता भी नहीं कि कौन बना रहा था क्या होता था, तो मैंने थोड़ा जुगाड़ लगाया था, आई गॉट दीज ट्यूबलाइट्स फ्रॉम फिलिप्स, ये जो दो ट्यूबलाइट है मैंने वो लाई थी, कुछ 250 रुपीज की थी, आप देखो कैच क्या आता है कि ट्यूबलाइट है तो वायर पे लगेगा और ये तो कवर्ड है तो कैसे है, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बोला कि प्लीज वायर की पट्टी ऐसे ऐसे लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, वहाँ से लो, वहाँ से लो, ऊपर लो, ऊपर लो,
उधर से लो और ज्वाइन करो और फिर होता है क्या बनता था इसमें नहीं पता चलेगा कि इसमें मैं ओओटीडी पिक्चर्स भी लेती थी थोड़े बहुत फुल मिरर एंड वाओ बट आई वाज स्टिल हैप्पी विद दिस. जब ये मैंने बनवाया ना कुछ हार्डली 1000 रुपीस में पूरा बन गया था. और याद है का एक सोफा भी था छोटा सा. सोफा नहीं था, गद्दा रखा हुआ था जिसमें मेरी बहन सोती थी. गद्दा ही था, मेरी बहन सोती थी उसमें. मैं विदाउट गद्दा सोती थी बिकॉज आई वॉज ओके विदाउट गद्दा. एंड ये मेरी बहन का वार्डरोब हुआ करता था, मेरी बहन का स्टोरेज, ये मेरा वार्डरोब, मेरा स्टोरेज, ये ऐसा होता था कुछ. एंड यहाँ पे हम सब अपने मेकअप प्रोडक्ट्स, बैग्स, वैग्स सब वो सब रखते थे. कचरा सबको लैब में रखा. ये बहुत टाइम से धूल मट्टी बन गई है, अभी थोड़ा काम करवा रहे हैं. पेंटिंग चल रहा है. ये अभी दिखाती हूँ टाइगर का घर. सो ये टाइगर का घर था, ये देख सकते हो. यहाँ पे टाइगर सोता था, इसका बास्केट रखा था हमने. सो ये टाइगर का घर हुआ करता था. बेस्ट थिंग, बहुत सारे निशान देखोगे ना. अपने जब वो बच्चा था ना, बहुत छोटा था, तो उसको चढ़ने नहीं होता था, तो पीछे के नाखून मार के चढ़ता था. नाउ द बेस्ट थिंग इज हियर, होल्ड दिस. देखो मैं वीडियोस कैसे बनाती थी. मैं यहाँ पे चढ़ती थी, यहाँ पे पैर डालती थी फोन में, और पॉप सॉकेट लेके या कुछ करके फोन यहाँ पे अटकाती थी, और मैं यहाँ पे वीडियोज लेती थी. यहाँ पे कर्टन था, वो कर्टन मैं बंद कर देती थी क्योंकि यहाँ से मुझे नेचुरल लाइट आती थी और वो डे लाइट वाला फील बहुत ही मस्त होता था. मैं आपको बता दूँ कौन से वीडियोस की बात कर रही हूँ. देखो सो आप देख सकते हो कि वो सब वीडियोस मैंने यहाँ पे बनाई थी, और उसमें से मैंने काफ़ी फेमस भी हो गई थी. डुएट वीडियोस बनाती थी वो टाइम पे, क्योंकि वो टाइम पे म्यूजिक क्लिप पे डुएट वीडियोस चलते थे. तो देखो ये ब्लू कलर अभी तक है, जो मेरा ब्लू कलर था ना, इट इज स्टिल देयर. कैसा है कि अभी ये घर से डायरेक्टली हम जो घर में आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरा फाइनली रूम बन गया है, कैसा दिख रहा है, तो आपको भी पता चल जाएगा कि वो जो जर्नी थी इट वॉज ब्यूटिफुल. यू नो आई वॉज नॉट गिवन, लाइक आई वॉज नॉट स्पून फेड, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून. मेरे को था कि मेरे पेरेंट्स को मुझे एक अच्छी जगह पे ले जाना है, वो मेरा सपना अभी पूरा हो गया है, और ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है. एंड ये बताना चाहती हूँ कि दिस हाउस और मे बी आपका घर कैसा भी होगा ना, मतलब हर बार मैं ये बोलती हूँ कि लेकिन अभी फिर भी आप लोगों को बेटर दिख रहा होगा. आप लोग जब रहते थे तब फर्नीचर होता था, सामान होता था, जो हॉल देखा ना उसमें आधे से ज्यादा हॉल तो फ्रिज कवर करता था, उसके बाद कर्टन होते थे, कुर्सियां होती थी, सब कुछ होता था. तो मतलब मुझे ऐसा है कि ऑब्वियसली इंडिया में नॉर्मल ऐसा ही होता था पहले, ये नॉर्मल था. दैट्स नॉट कि मैं ऐसा बता रही हूँ बहुत खराब है या कुछ है. मैं हमेशा से ग्रेटफुल रही हूँ. इट्स जस्ट दैट मुझे ऐसा लगता है जब आप ऐसे जगह से आते हो ना, तो आपका जो पैशन होता है आगे बढ़ने का लाइफ में, वो ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है. आपके अंदर एक वो अलग सा ही एक रहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को और अपना खुद का ड्रीम पूरा करना है. एक हायर फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से एक ऊपर के लेवल पे जहाँ पे आपको पूरा व्यू दिखे, ऐसा टाइप का घर लेना है. ऑलवेज जब मैं कोई भी टावर और के नीचे से जाती थी, आई टू वॉच एंड आई टू थिंक एक दिन होगा कि मैं खुद का घर लूँगी. अब तक नहीं लियू, बट इंशाल्लाह वो ड्रीम मेरा अभी तक जारी है. आप लोग बहुत सारा प्यार दोगे तो वो भी हो जाएगा. तो मैं बस ये छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ इन सबके बीच में कि डोंट थिंक कि आप अगर कोई मिडिल क्लास या ऐसे फैमिली से आते हो तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते. नो, यू कैन डू इट. आई बिलीव इन यू, यू गाइज कैन डू इट. एंड अब मैं आपको एक बहुत ही मस्त चीज़ दिखाने वाली हूँ. मैं आपको बिल्डिंग दिखाने वाली हूँ. मेरी बिल्डिंग इज माई लाइफ. मतलब आपको बताऊंगी मुंबई में सबर्ब्स में, मतलब अंधेरी लोकड वाला टाइप जगह पर ऐसा बचपन आपने सोचा होगा कि ऐसा कैसे, क्योंकि बहुत जंगली बचपन है. मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, आपको बहुत मजा आएगा. मतलब जो लोग अंधेरी में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं ना, वो लोग ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे. नहीं कर पाएंगे क्यों? क्योंकि अपने बिल्डिंग में सांप वाप आते हैं. मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी बिल्डिंग इतनी यूनिक है ना, मतलब पूरे एरिया में भी हमारी बिल्डिंग बहुत ज्यादा यूनिक है. वो सब आपको बताती हूँ एंड बहुत मजा आएगा. आपको स्टोरी टाइम. सो गेट के एंट्रेंस पे बढ़ते हैं. पहले तो बता दूँ हमारे घर के सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है जहाँ पे बहुत सारे टिकटॉकर्स वीडियो बनाए जाते हैं, आगे भी पीछे भी, मतलब जहाँ पे मैंने बहुत खेला है, मतलब बचपन से खेला है.
वहाँ पे आजकल अभी तो बंद हो गया ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से, बट जब लॉकडाउन नहीं था, सुदर्शन मुझे बोलो जोर का बोलो, तो जब लॉकडाउन नहीं था तभी बहुत सारे लोगों को आपने वीडियो में देखा होगा, आवाज़ आ रही है। सो ये गेट है, छोटू सा गेट। एक छोटी स्टोरी बताती हूँ, फास्ट स्टोरी बता दी मैं। ये गेट पे वैसे खड़ी होती थी और झूला झूलती थी। ओके सुनो, नहीं पहले मेरी स्टोरी सुनो। तो मैं झूला झूलती थी, ठीक है। तो कैसा होता था, मेरा दोस्त है ना, ऐसे मुझे झूला झूला होता है नीचे, उसने एकदम स्पीड में किया, गेट जाके रुका और मेरा सर सीधा गया पाचा, ये मेरे आँख के अंदर घुस गया। एक्चुअली ये नहीं, ये था तभी, तब मैं छोटी थी ना, और ये भी फ्लैट आग मतलब यहाँ पे घुसा। तो मैं इसका मार्क, अगर आपके पास अजान हो रही टाइम्स, तो यहाँ पे मुझे लगा, आई डोंट नो अभी वो मार्क आपको दिख रहा होगा कि नहीं, वो आईब्रोज में थोड़ा छुप गया है, बट अगर मुझे दिखा ना, मैं फोटो अटैच करूँगी कहीं ना कहीं। इधर ही इधर ही, एक वो है ना, हाँ इधर ही है। तो सेकेंड स्टोरी ये है कि जो मेरे साथ बचपन में हुआ था वो सेम बड़े होके मैंने इसके साथ कर दिया गलती से। नहीं, इसने नहीं की, मेरा और इसका झगड़ा हुआ था। नहीं, मेरा इसका झगड़ा हुआ था और है ना, तुम्हें करके कुछ, तो दोनों साथ में निकले एक दो बार और ये ना बाहर चली गई। नहीं, मैं बता दूँ क्या हुआ। मेरे को अच्छे से याद है, तू बहुत छोटा था, मेरे को एकदम क्लियर याद है पिक्चर। तो ये बहुत नाटक कर रहा था कुछ सीन के लिए, तो मैं अंदर आई, वो मैंने तेरे को आने का, तो अगर ना बताओ, मैंने ये गेट जोर का बंद की, ठीक है। तो ये गेट ऐसे वापस आया और ये अंदर आने गया और सीधा यहाँ से आया मैं, तो अभी थोड़ा सा स्मूथ नहीं है, पहले ऐसे स्मूथ जाके वापिस आया और मेरे सर पे लगा और मैं लिटरली इतना दूर जाके गिरा और ये गिरा और उल्टा गिरा, ऐसे उल्टा गिरा। मैंने क्या बोल दिया था, उठ जा चल नाटक मत कर, चल उठ जा चल नाटक मत कर। फिर मैं इसके पास भागी, मैंने उसको गोद में उठाई, क्योंकि छोटा था। पहले घुमाई तो देखी पूरा खून खून आंख से, देखो है मेरे पास निशाने भी, यहाँ पे पता नहीं, नहीं है, हाँ इधर है। तो ये गेट ने हमें बहुत ज्यादा जख्म दिया, क्यों किया था, बट इस गेट के साथ मेरी बहुत सी क्यूट सी पिक्चर है, देखो मैं आप भी डाली यहाँ पे। ये हमारे सारे झाड़ थे, मतलब मेरी मम्मी का गार्डन था, ये बेसिकली पर्सनल गार्डन था। यहाँ पे एक आम का झाड़ भी था जो हम लोग का था, बट वो सीताफल का झाड़ है, इफ यू डोंट नो। यहाँ पे पपैया का झाड़ भी, पता नहीं सब चेंज हो गया है, यहाँ पे आम का झाड़ भी है। इतने साल में इसमें आता ही नहीं था, हम कैरी बन के खत्म खराब हो जाते थे, आम ही नहीं बनते। यहाँ पे मेरी एक स्कूल की पिक्चर भी है, जो मेरी फर्स्ट डे जो स्कूल थी, मैं अपने कज़न के साथ जा रही थी, तो वो पिक्चर भी है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। तो ये जो पैसेज है हमारा, यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे, ये एंट्रेंस है, यहाँ से बिल्डिंग एंट्रेंस होता है, वहाँ पे स्टम्प होता था जहाँ हमने जाके देखा यहाँ पे, और यहाँ पे बॉलिंग मतलब करते थे यहाँ से, बॉल डालो। अंडर आर्म ही खेलते थे यहाँ पे, ओवर आर्म अलाउड नहीं था। तो आउट है, सिक्स यहाँ पे आउट है, सॉरी यहाँ पे आउट है, आउट है, तो आउट हो गया तुम। दीवार पे सिक्स है, डायरेक्ट बार के आउट है। टप्पा का के अंदर लगा तो चौका, टप्पा के बाद भी गया तो चौका, बट टैप है अलाउड नहीं। देखो और एक रूल था, बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, वो मैं आपको पीछे साइड बताती हूँ, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ी कहानी थी। ये क्रिकेट का था, दूसरा भी क्रिकेट का था, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखो गाइस, ये हमारी ना बिल्डिंग का हमेशा से ऐसा एरिया रहा है कि यहाँ पे काई जम जाती थी, द ग्रीन थिंग विच यू कैन सी। तो यहाँ पे संभाल के चलना, तू नहीं खेलना, और यहाँ पे हम हर बार खेलते थे, क्योंकि हम अगर यहाँ पे नल भी सांकली खेलते थे, पानी का नल भी यहाँ से पीते थे, पानी हेडफोन ज़्यादा था वैसे मुझे आगे, और यहाँ पे सांकली खेलते थे, पकड़ा पकड़ी, रीले, सब यहीं पे खेलते थे, और पीछे जो आया उसको गिरना था ही, मतलब एक ना एक बंदा गिरता ही था। न्यू आया उसको पता नहीं है ना, और फुल स्पीड में अगर अभी भी तू भागेगा ना तो गिरेगा, गारंटी मैं अभी भी फिसल रही हूँ। अगर आपको कुछ स्लाइड करना है तो आप कर सकते हो, ये ऐसा नहीं लग रहा है जंगल में आ रहे। तो बेसिकली हमारी बिल्डिंग वॉज ऑलवेज कवर्ड बाई खाड़ी, लाइक क्रीक, प्योर खाड़ी होती है ना, और वहाँ से हमारी बिल्डिंग में सांप आते थे एवरी मॉनसून, मेरे बिल्डिंग में सांप आते ही थे, दो दिन में एक बार, तीन दिन में एक बार सांप मिलना ही कंफर्म। तो मैंने तो बहुत सांप पकड़े हैं, इसीलिए आपको पता है कि मैं सांप से डरती नहीं हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा अनिरुद्ध के वीडियो में भी कि मैंने इंची को पकड़ा था। इट्स बिकॉज आई ऑलवेज बीन अराउंड दोज थिंग्स, मतलब सिटी में भी बिल्डिंग होने के बावजूद। आगे गटर में मत गिर जाना। हाँ ये गटर खुला था पहले, इसमें से बहुत कॉकरोच आते थे। और ये
तो अगेन द रूल्स वर सेम, बट एक और एक रूल था हमारा वहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, वो कॉन्स्टेंट था कि अगर बैट्समैन ने डायरेक्टली बाहर मारा जो कि आउट होता है, द बैट्समैन हैज टू गेट द बॉल, लेके आना पड़ता था। अगर टप्पा खा के गया तो फील्डर को, फील्डर भी जिसका फील्डर का हाथ लगा उसको आगे लेके आने का, जैसा टप्पा खा के भाग गया तो फील्डर को लाना है, तो ये रूल था। और मेरी आदत है, लेकिन देखो क्या था पहले, किसमें जाना पड़ता नहीं था? ये नहीं था गाइस, पहले तो पानी था। हाँ, और इससे भी खतरनाक था, मतलब ये गार्डन भी अभी बना है यहाँ पे पीछे, पहले यहाँ पे पूरा पानी वाला खाली था, एंड मैंने एक बार बॉल मार दिया बाहर और मुझे जाके लाना पड़ रहा था, तो मैं ऐसा गई, बॉल ऐसा पानी में तैर रहा था, ग्रीन पानी था पूरा गंदा खाड़ी का, और मैंने एक डंडी तोड़ा और मैं ऐसे ऐसे आगे आगे कर रही थी बॉल, और पता है वो काटा काटा वाला झाड़ था वो मुझे ऑलरेडी प्रिक कर रहा था, और मैं पहले चड्डा वड्डा सब पहनती थी, आई वाज अ टॉम बॉय, कंप्लीट टॉम बॉय, मैं सब बॉल आगे आगे लाने गई, मेरा बैलेंस ख़राब हो गया और मैं उस ग्रीन कलर के पानी में गिर गई जिसमें कीड़े थे बहुत सारे गाइस, आई स्टिल रिमेंबर दैट। और मैं घर भी नहीं गई क्योंकि मुझे पता है अगर मैं घर जाऊँगी मेरी मॉम मुझे बहुत चिल्लाएगी, तो मैंने अपने आप को वहाँ पर ही धो लिया था, वो जो वॉश बेसिन टाइप जगह है वहीं पर मैंने खुद को वॉश किया, मम्मी को कभी नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ था, सो मम्मी अगर आपको अभी पता चला सॉरी, क्योंकि मम्मी बहुत चिल्लाती थी क्योंकि मैं ऐसा गंदी होके आती थी। तो यही था हमारा फंडा, और यहाँ पे बहुत कीड़े आते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा कीड़े आते हैं यहाँ पे, आपको हर टाइप के कीड़े देखने मिलेंगे पीछे में, जो यहाँ पे आप अगर ऐसा हाथ, आप हाथ ऐसा करोगे ना सांप भी मिल जाएगा आपको अभी भी, आई कैन गारंटी दैट। ये एक भूत वाला झाड़ है गाइस, और एक स्पूकी चीज़ है हमारे बिल्डिंग में, ऐसा बोला जाता है कि पहले भूत था, अभी भी हो सकता है, बट आई डोंट नो, आप मेरा घर रेंट पे नहीं लोगे अगर बोलोगे तो भूत है यहाँ पे, जस्ट किडिंग, पहले ऐसा बोलते थे क्योंकि पहले यहाँ पे एक वॉचमैन है ना उसकी डेथ हो गई थी, वो ऊपर से गिर गया था, टेरेस से गिर गया था, एंड बोलते थे कि उसका जो आत्मा है वो आती थी और दूसरे वॉचमैन को परेशान करती थी, और वॉचमैन लोगों ने देखा था, ऐसा सिर्फ बोला जाता था। एंड बिकॉज मेरी बिल्डिंग इतनी ऐसा झाड़ वाड़ खाड़ी के बीच में थी, द बैक साइड लुक्स वेरी हॉन्टेड, ये तो दिन है इसके लिए इतना अच्छा लग रहा है, हॉन्टेड में ना अभी भी तो ऐसी लग रहा है, तो डर लगता है, बट ट्रस्ट मी मैं इतने साल से रही हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम लोग यहाँ पे रात में भी खेलते थे, बट मेरी मम्मी बहुत चिल्लाती थी क्योंकि हम रात में खेलते थे तो यहाँ पे, तो बहुत डांट पड़ी उस चीज़ के लिए। चलो तो बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत स्पेशल है मेरे लिए, इतनी सारी कहानियाँ हैं यहाँ पे, इतने सारे एक्सपीरियंस है, अभी मेन वाला बताती हूँ, आ जाओ, इसके लिए मैं ट्रबल में भी पढ़ सकती हूँ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ये घर खाली था, आई डोंट नो अभी भी खाली है शायद, खाली है घर, सो ये घर तुम्हारा दोस्त प्रो उस वीडियो में बोली थी, इस वीडियो में भी क्यों आ रहा था मेरे पास गया। सो ये घर का एक है फंडा, ठीक है, ये घर का ये टूट गया था, ये जो दिख रहा है यहाँ पे कपड़े सूखने लगाते हैं हम, जैसे ये होता है ना एक रॉड होता है वैसा, ये रॉड टूट गया था ये वाला, तो आप ना हम क्या करते थे पता है, हम नीचे जाते थे झुकते थे और ऐसे खड़े होके अंदर घुस जाते थे, अंदर से ये खिड़की के थ्रू कुछ, तो हमने दरवाजा खोल दिया था और दरवाजा खोल देते थे हम और घर में चिल करते थे, खिड़की कांच टूटी हुई थी तो खिड़की खोल देते थे और खिड़की से अंदर आते थे और फिर मेन दरवाजा खोलते थे, फिर मेन दरवाजा खोलते थे और बाकी सब बच्चों को अंदर बुलाते थे, और हमारा ये चिल एरिया बन गया था, इमेजिन क्लब हाउस बन गया था हमारा, हमारे पास वॉकी टॉकी था जिससे हम बताते थे कि कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, अगर कोई घर वाला आता था तो हम फट से बाहर आते थे और यहीं से निकल के बाहर आ जाते थे जब स्टार्टिंग में, बाद में उन लोगों को भी पता चल गया था, तो उन लोग ने भी बोल दिया ओके ठीक है, क्योंकि इसका भी सर्वर फूटा था वहाँ पे, बहुत सारा सीन हुआ था, तो बहुत मेमोरीज है गाइस, कार है क्या ही बताऊँ मैं आपको, मेरे ना एक वीडियो बहुत छोटा हो जाएगा बताने के लिए स्टोरी, टाइगर है ना टाइगर से पहला मैं लिटरली बिल्डिंग में ऑलमोस्ट 17 बिल्ली पालता था, 17 बिल्ली थी मेरे सब, मतलब क्या नाम था गफ्फू, गफ्फू नाम था मेरी बिल्ली का, गफ्फू मतलब तभी ना बच्चे छोटे थे ना तब एफ लैंग्वेज बहुत ट्रेंडी थी ऐसा, तो yes, guys, ऐसे तो मेरी बिल्ली ना मतलब थोड़ी सी घबरू घबरू थी ऐसे, मतलब हट्टी कट्टी थी, तो उसका नाम मैंने गफ्फू रख दिया था,
तो वो थी, वो मेरे पास ऑलमोस्ट 9 साल थी और वो इतने बच्चे पैदा करती थी, हर 3 महीने 4 महीने में आ जाता था बच्चा, छोटे बच्चे पैदा करती थी गाइस। हमने उसका नाम कैरेक्टरलेस बिल्ली रखा था एंड ट्रस्ट मी, बहुत प्यारी बिल्ली थी। हमें वो टाइम पता नहीं था कि उसको न्यूटर किया जाता है, ऐसा सब होता है क्योंकि हम छोटे थे, बहुत छोटे थे। तो ये बैल्कनी में सब बच्चे मैं रखता था, बहुत सारे पालते थे उसके बच्चे, बेचारे कौवे लोग खा जाते थे, बिल्ला के बिल्ला खा जाता था, हम लोग को बहुत अपसेट। ये जो दीवार देख रहे हो वहाँ पे ग्रेवयार्ड है, वहाँ पे मैं आया थी बेचारे लोग को, तो हम लोग का ना एक बहुत आती है, हम लोग 2-2 दिन तक इतने अपसेट रहते थे, एक भी बिल्ली मरती थी, बच्चा मरता था, तो हम सब फ्रेंड्स लोग मिलके उसको ऐसा दफनाते थे, बॉक्स में उसके लिए ट्रिब्यूट पे करते थे, लिख के आते थे ऐसे डेट लिख के। यहाँ पे मैंने अपना टर्टल भी दफनाया था पिछले वाला, और ऐसे खड़े रह के प्रेयर की थी उसके लिए। सो दिस इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एनिमल, सो पेट सिमेट्री है ये। और हम लोग इसके ऊपर भी चढ़ के पीछे खाड़ी में जाते थे। सो बेसिकली आई हैड अ मोगली काइंड ऑफ बचपना, वाइल्ड बचपना, बट वॉट एवर आई टोल्ड यू, ये बहुत पहले की बात है। ऑब्वियसली जब कॉलेज वॉलेज में गई, काम पे लगी, तो थोड़ा कम हो गया था ये सब, एंड आई मिस माई बिल्डिंग फ्रेंड्स अ लॉट, हम लोग बहुत मस्ती करते थे। सो दिस वॉज माई लाइफ, आई नो माई लाइफ हैज़ चेंज्ड अ लॉट, बट दिस पार्ट ऑफ मी विल ऑलवेज बी स्पेशल टू मी, ऑलवेज मैं इसको ऊपर ही रखूँगी मेरे एक्सपीरियंस में, सब में आगे भी जाएंगे, तभी भी मैं ये चीज़ कभी नहीं भूलूँगी कि मैंने ये सब दिन देखा है, और इसीलिए मैं आज जो जहाँ पे हूँ उस चीज़ की मुझे ज़्यादा ही वैल्यू है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। और इसमें से काफ़ी सारा जो क्रेडिट है वो आप लोगों को जाता है, सो थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग मी वेयर आई एम राइट नाउ। आई लव यू गाइस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई न्यू हाउस वीडियो, आई एम सुपर एक्साइटेड टू टेक माई पेरेंट्स एंड लिव देयर, सो थैंक यू सो मच। यार इतने साल से रहता है यार, बिल्कुल सो ये हरी हमारा वॉचमैन है एंड बचपन से ही इज आवर वॉचमैन, इससे पहले किशन नाम का वॉचमैन था, सो ये दो वॉचमैन हैं जिन्हें मैं अच्छे से जानती हूँ। एंड एंड कितना बोल रही हूँ, तुझे कुछ बोलना है? मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे अभी भी बहुत मतलब दोस्त रहते हैं मेरे उम्र के, तो हम लोग सब मिलते हैं, चिल करते हैं, तो हमेशा वही बात होती है कि क्या खेलते थे, क्या क्या करते थे। आजकल के बच्चे इतना नहीं खेलते, मतलब आउटडोर चीज़ें नहीं करते, और हम लोग आउटडोर इतनी चीज़ें करते थे कि मतलब एक छोटी सी छोटी चीज़ अभी दिखाओगे ना तो भी उसमें हम लोग की मेमोरी रहेगी कि मतलब ऐसे। तो मैं स्कूल से आती थी ना गाइस, मैं 12:30-1 बजे तक घर आ जाती थी, उसके बाद बाहर ही खेलते रहते, बाहर ही शाम को मम्मी चिल्ला के मुझे जब बोलती थी ना मगरिब का टाइम हो गया घर आ जा, तब घर आती थी, क्योंकि वो मेरा वो था डेडलाइन था, 7:30 टाइप होता ना, अभी तक भी 18 इयर्स का था, अंधेरा हो गया मतलब डेडलाइन, और उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो 9 बजे का डेडलाइन मैक्स, वो भी इधर ही दिखना चाहिए, तो ही वहाँ कुर्सी के पास बैठो, दिखना चाहिए आग के सामने, तो ही 9 बजे तक, वरना वो घर में आ जाओ। बट जो भी था मजेदार दिन थे गाइज, वो दिन भी क्या दिन थे। सो गाइज दैट इज इट फॉर द डे, आई होप यू लव द व्लॉग बिकॉज दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट वीडियोज जो मैं कब से बनाना चाहती थी, एंड हम ये अभी रेंट पर देने वाली है, तो मैंने सोची इससे पहले मैं फटफट व्लॉग बना के आपको दिखा दूँ ये चीज़। एंड अब न्यू जर्नी शुरू होने वाली है न्यू घर में, तो आप लाइक करो, शेयर करो, 1 मिलियन कर दो, अगर 1 मिलियन हो गए होंगे तब तक पता नहीं हुआ तो 1 मिलियन कर दो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी शूट कर रही हूँ और ये बहुत लेट अपलोड होने वाला है। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइज, स्टे ट्यून, इसके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इसका लिंक, और इसको बोलो वीडियो बनाने, क्योंकि वीडियो नहीं बनाता है, मैं बनाऊंगा, मैं एक्चुअली मेरे को भी बहुत चीज़ें बनानी थी बट ये शूट कर रही है तो मैं करने दे रहा हूँ। नहीं तो तू भी बना, गाइस टेल कि आपको दोनों के चैनल पे देखनी है, अगर सेम भी वीडियो हुआ तो भी चलेगा, सेम नहीं मैं थोड़ा सा अलग वे में बना रहा हूँ, तो मेरा नाम मत डाल बीच में, मतलब मैं जो रेगुलर मैं आज मैं रेगुलर जो दो हफ्ते से ज्यादा चीजें कर रहा हूँ मैं व्लॉग कर सकता था। गाइस इसको बोलो वीडियो बनाने, सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहा और कुछ नहीं, दैट्स इट। सुदर्शन बोल कुछ इसको, बिल्डिंग में बनाओ वीडियो, क्या कर रहे हो हर बार बाने देते हो, बिल्डिंग में रहता है क्या स्विमिंग पूल ऐसे? ये स्विमिंग पूल है यहाँ का, ये देखो जकूजी पैर डालो यहाँ पे, ये अंडरग्राउंड है इधर से, फिश पा रहे थे ना ऐसे कॉकरोच पा मिलेगा, अंडरग्राउंड है इधर से, यहाँ पे पैर डालो, ये बादाम ट्री है गाइस, यहाँ पे बहुत स्वीट स्वीट बादाम आते हैं।
मैंने बहुत खाए, बहुत खाए। खीर में डाला था कि नहीं? वो वाले बादाम वाले होते हैं, शट अप। ऐसे पत्थर से फोड़ फोड़ के खोलते थे और खाते थे। बादाम ही गिरे हैं। ये देखो ये बाहर से वो खिड़की, फेमस खिड़की, टाइगर का घर। सो बस हो गया गाइस। अगर आपको और भी कुछ जानना है मेरे पुराने घर के बारे में, लाइक रेट्स एंड ऑल, कॉल मी। बाय। 9800202020 नया किसका नंबर है पता नहीं, मत कॉल करना गाइस ये नंबर। चल गाइस बाय, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना बचपन।